लोग गुम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं. दरअसल 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 रीज़न ये है कि फाइनली मैं आ गई थी नीचे, और ये दाल वगैरह जो है, दाल का सीन है वो. चेक करें, ये दाल पड़ी है भाई, मम्मा ने इसको भिगो रखा है दाल को। भाई आई थी छुट्टी ट्यूशन से. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लंगा हाउस. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हम लोग गुम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं. दरअसल 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 रीज़न ये है कि एक पर्सनल इशू हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने व्लॉगिंग बंद कर दी थी. लेकिन मैं शॉर्ट्स फिर भी अपलोड कर रही थी. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने उन पर इतना ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए. चलो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी बढ़ जाएंगे. आप लोग, अब मैं आती हूँ व्लॉग की तरफ. जो आप लोग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इतने दिन आप लोग गुम हो जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्या इशू हो गया था. मैंने इंस्टा पे स्टोरीज भी लगाई थी, मैं बार बार बता रही थी कि एक पर्सनल इशू की वजह से हम लोग जो है ना वो गैर हाजिर हैं. वो इशू ये था कि फातिमा की मदर की हो गई थी डेथ. फातिमा और सुमेरा जो कि आप लोगों को नज़र आती हैं हमारे साथ. मीन्स पता ही नहीं चला, हम लोग को आइडिया ही नहीं था. मीन्स तबीयत तो उनकी ख़राब थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा. तबीयत उनकी ख़राब थी बहुत, कंडीशन बहुत सीरियस थी, लेकिन मुझे तो फिर भी यकीन नहीं था कि हैं इस तरह होगा. बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी. आप लोगों को पता है, फिर जब इन हालात में फिर भी मैं शॉर्ट्स तो अपलोड करती रही हूँ. पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें. बाकी इन जब ये फैमिली कंडीशन हो जाती है ना, तो फिर फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ता है. आप लोगों को पता है, हम लोग का तो ख़ास तौर, वो लोग कहते हैं कि हम लोग की यहाँ डेथ हो गई और तुम लोग को व्लॉगिंग की पड़ी है. कुछ रीज़न ही इस तरह के हो गए थे. हफ्ता दो हफ्ता तो हम लोग उनके घर रह गए हैं, फिर भी मैं शॉर्ट वहाँ ना अपलोड करती रही हूँ. मैंने उनको ये बोला कि भाई हमारा तो काम है. उन्होंने क्या कहना था बेचारों ने, उन्होंने तो मुझे कुछ निकाला. लेकिन फिर भी इस जब ये रीज़न आ जाता है ना, तो फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ता है. जो भी हुआ, खैर अचानक हुआ, हमें हम लोग की खुद सोच में नहीं था कि इस तरह होगा. जिस दिन मेरा फैशन शो था ना, फैशन शो वाले दिन ही उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था. और मैंने कहा नहीं 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 होता, अब भी नहीं होता कुछ. तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग सोए पड़े थे तो कि भाई कि वो उनकी डेथ हो गई है. एक दो हफ्ता हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि उनके घर रहे हैं, तो अब मैं दोबारा वापस आई हूँ. मैंने कहा चलो व्लॉगिंग में इनको बता दूँ, ऐसे फिर क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे. तो बस यही था रीज़न आप लोग को. बस आप लोगों ने बस दुआ करनी है. और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत सारा एक दफ़ा फिर आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ. आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा प्यार दिया, और उम्मीद करती हूँ आगे भी इस तरह प्यार देंगे. और अब तो खैर जो हुआ सो हुआ. आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हुआ खैर सो हुआ. बस अब लंगा हाउस में आने वाली हैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि हम लोग, मेरे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था एक दो व्लॉगों में, कि मेरे हमारे घर हो रही है शादी, मेरे चाचू जान की शादी है. उसके साथ एक दो और भी शादियां हैं, वो तो भाई सरप्राइज होगा. वो अभी मैं नहीं, उसको मैं रिवील नहीं कर सकती. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के, उस चीज़ को लेके भी बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. वो आपको मैं वक्त के साथ साथ बताऊँगी. अभी तो ईद के बाद हम लोग की तैयारियाँ हो गई हैं स्टार्ट. जैसे ही फातिमा की मम्मा का मीन्स वो ख़त्म होगा ना, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं चली या कहते हैं पता नहीं क्या, अल्लाह खैर ही करेगा सब. अल्लाह ताला बहुत ही अच्छे महीनों में फौत हुई हैं, इसका मतलब है जनती है. खैर अब जैसे ही इसकी एंडिंग होगी, तो फिर मेरे चाचू जान हैं उनकी जो है उसकी हो रही है शादी स्टार्ट. गाइस आप लोगों के लिए सरप्राइज है, लंगा हाउस में होने जा रही है शादी. शादी, हाँ शादी, शादी तो मैं चाचू भी पता नहीं वो उसको तो क्या कहते हैं, दुआ खैर, दुआ खैर, माँ कपड़े देने गई है सिलवाने के लिए, और कल मैं चाचू की दुआ खैर इस तरीके. उसके ईद के फौरन ही बाद है उनकी शादी स्टार्ट. तो खैर मेरे तो हो रहे पेपर, मैं भाई पढ़ रही हूँ 2-3 दिनों के मुझसे ट्यूशन जा रही हूँ.
और क्या कहते हैं उसकी हुई पड़ी है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, क्योंकि आपको पता है फिर जाग 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 के भी ये हालत हो जाती है। मेरी खुद आंखों के नीचे हल्के हुए पड़े हैं, मैं हूँ काली। खैर अब भाई बहुत खुशी होने वाली है, आपको सारी शॉपिंग्स की व्लॉग मिलने वाले हैं, ईद के व्लॉग मिलने वाले हैं, सबसे बड़ी बात रमज़ान आने वाला है। मेरी तरफ से सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। 4 मिनट की तशरीह हो गया, आप लोग भी कह रहे हो कि कब से भूख ही जा रही है। बस यही था मेरा टॉपिक जो कि मैंने आप लोग को डिफ़ाइन कर दिया है। रमज़ान में आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, ईद में आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और जो शादी हो रही है इंशाल्लाह। मैंने पहले भी फातिमा की शादी के यार व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि पता ही नहीं था कि भाई बनाओ, लेकिन बस यार इतनी एक्साइटमेंट थी कि याद ही रहा। लेकिन अब तो मैं व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो मैं आपको इंशाल्लाह चाचू की शादी के बाद की वीडियो करूँगी, क्योंकि वो अभी कन्फर्म नहीं है ना कि भाई अभी जो है ना वो ज़रा चल रहा है, सीन चल रहा है। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, वेलकम बैक टू लंगा हाउस। मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है, खाना वगैरह रेडी हो चुके, तो क्या नीचे तो मेरी दादो जान तशरीफ़ लेके आई हुई हैं। पहले नीचे जाती हूँ, मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने कहा मैं नहा लूँ, ये कहेंगे फिर भी तेल वाले बालों के साथ आ गई, इतने दिनों बाद भी आई है। तो ये देखें, खैर से मैंने लिया नहा, साफ हो गई हूँ, आपकी बहन भाई जो ये गंदगी शंदगी थी सारी मिटा के साफ सुथरी हो गई है। अब चलते हैं नीचे, लेट्स गो, दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाश्ते के लिए नीचे पूछी मम्मी ने, कहा दफा हो जा, 10 बजे तो उठ रही है, आप मुझे नाश्ता चाहिए। नाश्ता नहीं मिला हमें। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ूंगी, उसके बाद नीचे जाती हूँ, नीचे का सारा दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो भाई फाइनली मैं आ गई थी नीचे, और ये दाल वगैरह जो है, दाल का सीन है, वो दाल बन रही है नीचे। मामा भी मीन्स बाहर बना रही है अभी दाल, तो कह रही है कि भाई नाश्ता, मैंने खुद भी सोचा है कि नाश्ता क्या करूँगी, वही बस अभी बन जाएगा तो बस फिर कर लेंगे। नहीं बाहर आवाज भी आ रही होगी आपको। देखते हैं आगे का क्या रूटीन है क्या होता है, क्योंकि मैंने तो जनरल ट्यूशन टाइम हुआ पड़ा है, 3 बजे तक मैंने चले जनरल ट्यूशन, बाकी आयशा अभी तक नहीं उठी, उसकी भाई तबीयत बहुत ज़्यादा है ख़राब। नाश्ता बन जाए फिर आप लोग को दिखाते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चेक करें ये दाल पड़ी है भाई, मम्मा ने इसको भिगो रखा है दाल को। भाई मैं करने लगी हूँ, हम बनाने लगे हैं चटनी, दाल वगैरह हो गई है रेडी। ये ज़रा चेक करें फ्रिज का हाल, ज़रा चेक करें ये सबस मिर्चे 2-3, दही ठीक है, और बस। देखते हैं क्या सीन है। ये सबस मिर्चे और ये तो मैंने ली है उठा, ये दही वगैरह मैंने लिया उठा, मैं किचन से लेके आती हूँ और सामान। भाई ये सामान है, ये आ गया है, अब हम इसको वो कर कर अब हम इसको कूट रहे हैं और बनना कि कूट रहे हैं कूट रहे हैं। ओए रुको ज़रा, क्या देख रहे हो, ये जो चटनी है ना ये इस तरह नहीं बननी, ये ख़राब हो गई है मुझसे वीडियो के चक्रों में। इस तरह चटनी आप लोगों ने नहीं बनानी, ठीक है, ये वीडियो के चक्रों में होगी ख़राब, क्योंकि हकीकत यह है कि मुझे आती नहीं थी चटनी बनाने। फाइनली चटनी हम लोगों ने कर ली थी तैयार। अब आयशा भी नीचे आ गई है, बाहर का जो सीन है, नाश्ता वगैरह होने लगा है तैयार। बस चटनी बन चुकी है, और अब इसी के साथ साथ मैं ये चाहूँगी कि बस खाना वगैरह जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह तैयार हो जाए। जो दाल है, दाल भी लगी हुई है चूल्हे पे, ये देखें, ये दाल वगैरह बन जाए, खाना वगैरह तैयार हो जाए, फिर आप लोगों को दिखाते, क्योंकि भाई मेरे ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। फरा ने मुझे आके दे दिया है सनशाइन, मैं उसको जल्दी उसको याद कर लूँ। आप लोग भाई मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, क्या कहते हैं ना मम्मा मेरे का प्लेट में से भाई मेरी रोटी गिर जाती है। भाई खाना वगैरह हो गया, दाल वगैरह आगे बड़ी मज़े की बनी हुई है, खाना वगैरह खा लें फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है खाना। एक बाइट तो मैं ले कर दिखाती हूँ कि भाई इसका क्या रिस्पॉन्स है। एक मिनट, एक बाइट। बस
फाइनली खाना वगैरह मैंने खा लिया था, मैं आ गई हूँ ऊपर जो कि मैं कर रही हूँ स्टडी। सो भाई मैं स्टडी कर रही हूँ अब क्योंकि ट्यूशन जाने वाली मेरा हो रहा है टाइम। सो पढ़ाई कर लें, तो पढ़ाई ने खूब बैंड बजा के रख दिया है यार, क्या कर सकते हैं। बस ठीक है, बस ये आज का थोड़ा बोरिंग व्लॉग होगा, लेकिन मैं नीचे उतरती हूँ, थोड़ी बहुत और भी आप लोगों को एंटरटेनमेंट जितनी हो सके करवाऊँगी। सो आप सब्सक्राइब भी कर देना यार, ऐसा ना किया करें ना सब्सक्राइब। मुझे पता है आप लोग दो तीन दिन हो गए हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छी बात है। सो बस मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, फिर नीचे उतरूँगी, ट्यूशन की तैयारी करूँगी, फिर ट्यूशन से आके आप लोगों से मिलूँगी। दरअसल ना आयशा आज आप लोग सोच रहे होंगे व्लॉग में नहीं आई ना, उसकी और मेरी ना एक ख़ास वजह से लड़ाई हुई है। सो मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोग फिर कमेंट में लिखेंगे आज दूसरी नहीं है फलां डिमकां, तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ उसकी और मेरी लड़ाई हुई है, इसलिए आज मैं अपने फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा देखो भाई आईफोन से बना रही हूँ भाई, मैंने कहा देखो कि भाई ये ना हो ना कि आप लोग कहें कि भाई व्लॉग करना होगा, इसलिए मैं सुबह सुबह उठी, मैं नहाई हूँ, मैंने बना दिया मुँह ऐसे बना के फिर दी। मैंने कहा ना बोल, मैंने भाई अपना व्लॉग खुद शुरू कर दिया। सो मैंने कहा तू अपने मोबाइल से व्लॉग डाल, मैं अपने मोबाइल से व्लॉग डालूंगी, देखने वाले देख लेंगे कैसे भाई। सो बस ये पढ़ लें और फिर दिखाते हैं आपको। आज थी छुट्टी ट्यूशन से और फाइनली मैं भाई गई थी। सो अब गई हूँ मैं, उठ खाना वगैरह भी मैं खा खू लिया मैंने। सो अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ अंग्रेजी का काम, इंग्लिश कर रही हूँ मैं, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने मैं बैठ रही हूँ भाई। सो ये था आज का व्लॉग छोटा मोटा, क्योंकि भाई आज ज़रा ना इतनी मैं कुछ नहीं कह सकी, ये छोटा मोटा व्लॉग था, बस डिटेल देनी थी। मैं थोड़ी बहुत ज़रा सैड भी हूँ वैसे भाई, ज़रा एंटरटेनिंग के लिए फ़ोन वगैरह देख लिया तो आपका दिमाग लग जाता है, मतलब यार एक दुख तो है ना, ज़रा देर से ही जाएगा। खैर उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। और हाँ मैं ये कह रही हूँ कि सरप्राइज़ आने वाले हैं बहुत सारे, तैयार हो जाए, शादियां। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।